नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारतीय राजनीति, तो चलते हैं अपने देखते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो इसमें से हमारे दो लोग थे, जिसमें से पहला नाम है जाकिर हुसैन जी का और दूसरे थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र अधिवेशन सेशन होते हैं? तो इसमें से हमारा पहला है शीतकालीन 6 महीने के लिए और दूसरा होता है हमारा ग्रीष्मकालीन 6 महीने के लिए। और हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने इसे कितने माह के अंदर पास कराना होता है? तो इसमें से हमारा है आंसर 6 सप्ताह में, अनुच्छेद 123 से। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राज का प्रधान कौन होता है? तो इसमें से हमारा आंसर है राष्ट्रपति। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसमें से हमारा आंसर होगा 35 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें से आंसर हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें से हमारा आंसर होगा 1 वर्ष, 1 वर्ष का होता है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कार्यकाल। और हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसमें से हमारा आंसर होगा 7 वर्ष का होता है। और चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसमें से हमारा आंसर होगा महाभियोगी, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो इसमें से हमारा आंसर होगा यूएसए से ली गई है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो इसमें से हमारा आंसर होगा जाकिर हुसैन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन था? तो इसमें से हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल मैन राष्ट्रपति कौन था? तो इसमें से हमारा आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दो योजनाओं तक कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? तो इसमें से हमारा आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी का। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुना गया राष्ट्रपति कौन था? तो इसमें से हमारा आंसर होगा नीलम सजीवा रेड्डी, 1977 ईस्वी में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के लिए हुई? तो इसमें से हमारा होगा वीवी गिरी के लिए हुई। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एकमात्र महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए? तो इसमें से हमारी राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जी थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति कौन था? तो इसमें से हमारा आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो इसमें से हमारा आंसर होगा चुनाव आयोग कराता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्ताव व अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की जनामत राशि कितनी है? तो इसमें से है हमारा 15,000 रुपये है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये करा दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो ये लड़ सकता है 2 बार। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसमें से हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति सभापति होता है राज्य का। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देगा
किसे देगा? तो ये दे सकता है उपराष्ट्रपति को, इस्तीफा दे सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र राज क्यों है? तो हमारा इसमें आंसर होगा, भारत का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा? तो ये देगा लोकसभा अध्यक्ष को। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे वीवी गिरी। और हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने माह के अंदर चुनाव कराना होता है? तो ये चुनाव कराना होता है 6 माह के अंदर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 2 सप्ताह के लिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति से। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से।